इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार के हाजीपुर में जिलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लिए गांव वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और जब SDM और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यह हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना इलाके के सुल्तानपुर में हुआ। यहाँ सावन के महीने में गांव के लड़के हर सोमवार को पास के ही हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जाया करते थे। रविवार की रात को भी लड़के जलाभिषेक के लिए निकले थे। इन लड़कों ने यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर DJ का भी इंतजाम किया था। इस गांव की सड़क ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के ऊपर से ही गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट की वजह से ट्रॉली पर सवार लड़के झुलस गए तो कई अफरा तफरी के दौर करंट की चपेट में आ गए। इसकी वजह से घटना स्थल पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ SDM मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और बवाल पर उतर आए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग की लापरवाही हादसे की वजह बनी और हादसे के बाद लगातार सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया और ना ही समय पर बिजली काटी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी देर रात तक मृतकों के शव मौके पर ही पड़े रहे। गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि जब यह घटना हुई उसके बाद हमने एरिया एरिया के बिजली कर्मियों को फोन लगाया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को बताइए यहां 8 लोग मर गए हैं। वहीं वैशाली के प्रभारी SP ने बताया कि ये लोग DJ लेकर बाबा धाम जा रहे थे जो कि 11,000 की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई।